الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين اسلامی و دینی بھائیو اور محترم اساتذہ کرام، گزشتہ جمعے کے خطبے میں گفتگو کی گئی تھی کہ نماز کس پر فرض ہے اور کس پر فرض نہیں ہے، اور جن کے اوپر یہ عبادت فرض نہیں کی گئی ہے ان کے لیے بھی نماز کی عظمت اور اہمیت کچھ کم نہیں ہے۔ نماز کی عظمت اور اس کی اہمیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے جس تعلق سے آج مجھے گفتگو کرنی ہے کہ یہ ایک قدیم ترین عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنے بھی نبی رسول مبعوث فرمائے اور انسانوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہر نبی اور رسول پر یہ عبادت فرض رہی ہے، لازمی رہی ہے، اور ان کے ماننے والوں پر بھی، ان پر ایمان لانے والوں پر بھی یہ عبادت لازم رہی ہے اور فرض رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز کے کچھ احکام میں اور اس کی کچھ حیات یا شکل و صورت میں یا شرائط میں یا واجبات میں یا ارکان میں کچھ فرق رہا ہو، لیکن یہ عبادت ہر شریعت میں، جسے ہم آسمانی شریعت کہتے ہیں، اس میں یہ فرض رہی ہے، لازم رہی ہے۔ اگر قرآن کریم کا غور سے مطالعہ کیا جائے، اس تعلق سے آیات دیکھی جائیں، تو بہت ساری آیات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے جن انبیاء کا نام اس فریضے کے تعلق سے ذکر فرمایا ہے خاص طور سے، ان کے نام اگر میں گنا سکوں تو ان بزرگ ہستیوں میں اور ان جلیل القدر نبیوں اور رسولوں میں سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اسی طریقے سے لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، لقمان، مریم علیہ السلام،
इन बुज़ुर्ग हस्तियों के बाद खुसूसियत के साथ कुरान ने नमाज के ताल्लुक से जो हुक्म फरमाए हैं और जो हिदायत बराह रास्त पहुँचाई हैं उनमें कसरत से बनी इसराइल का जिक्र मिलता है। और बनी इसराइल के बाद सबसे ज़्यादा ताकीद इस फरीज़े की जिसको की गई है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। सबसे ज़्यादा हिदायत और सख्त से सख्त उसलूब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस फरीज़े का हुक्म दिया है वो उम्मत मुहम्मदिया है। आइए अब इस फरीज़े का ताल्लुक कुछ अंबिया के वास्ते से ज़िक्र किया गया है, मैं कुछ आयात आपके सामने इस ताल्लुक से पेश कर दूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, याकूब और इसहाक अलैहिस्सलाम इनका तस्करा करते हुए ज़िक्र किया है कि ये फरीज़ा, ये इबादत इनके ऊपर भी फ़र्ज थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से बाकायदा इनको हुक्म आया था कि इनको क्या करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वाउहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस्सलात। अल्लाह ताला ने इस आयत से पहले चार नबियों रसूलों का जिक्र किया है, उसके बाद फरमाया है कि हमने इनकी जानिब वही की, इनको हुक्म दिया किस चीज़ का, फ़िअलल खैरात, कि ये सारे के सारे लोग नेक काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे। अच्छे काम करने का इनको हुक्म दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और अच्छे कामों में सलात भी शामिल है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुसूसियत के साथ जिक्र फरमाया व इकाम सलात व इता ज़कात, और हमने इन चारों बुजुर्ग हस्तियों को नमाज के कायम करने का भी हुक्म दिया, ज़कात अदा करने का भी हुक्म दिया, वकानू लना आबिदीन, और ये सारे के सारे लोग हमारी ही इबादत करने वाले थे, हमारे सामने झुकने वाले थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन चार बुजुर्ग हस्तियों के ताल्लुक से जिक्र किया है कि हमने इनको नमाज के कायम करने का हुक्म सादिर फरमाया अपनी जान कि ये लोग भी नमाज को कायम करें। और उसके बाद खुसूसियत के साथ कुरान करीम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुछ दुआएं जिक्र की हैं। उन दुआओं में से एक दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने ये जिक्र फरमाई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की, रब्बी जालनी मुकीमस्सलात व मिन दुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की बारगाह में ये दुआ की, रब्बी जालनी मुकीमस्सलात, ए मेरे रब मुझे नमाज का पाबंद बना दे, नमाज को कायम रखने वाला बना दे। ये दुआ की थी किसने? इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर और रसूल ने। इसलिए हमें भी और हर मोमिन को ये दुआ करते रहने चाहिए कि इस फरीजे में इससे कोई कोताही ना हो। जो जाहिरी असबाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें फराहम किए हैं इस फरीजे की अदायगी के लिए, उनके साथ साथ रूहानी सबब यह है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौफीक तलब करते रहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस फरीजे को कायम करने की तौफीक अता फरमाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की, अपने लिए दुआ की, और वमिन ज़ुर्रियती रब्बना, ऐ मेरे रब मेरी ज़ुर्रियत, मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा। इसलिए वो एक मोमिन की यह जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ अपने ही लिए हिदायत की दुआ ना करे,
अपने ही लिए नमाज कायम करने की दुआ न करे और खुद ही मस्जिद में न आए, बल्कि उसके मातहत जो लोग हैं, जो औलाद है, जो बेटे हैं, जो बेटियां हैं, जो बीवी है, और घर में जो भी अफराद हैं, उनके ताल्लुक से भी हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको मस्जिद में लाने की कोशिश करें, इस फरीजे की अदायगी में उनकी मदद करें, उनको हुक्म दें और हर तरीके से उनकी कोताही पर निगाह रखें कि वो नमाज में कोताही तो नहीं कर रहे, और साथ ही साथ अल्लाह ताला से उनकी हिदायत के लिए दुआ भी मांगे, इस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए भी दुआ मांगी। और हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी यही होती है, अल्लाह के रसूल को यह हुक्म दिया गया और आपके वास्ते से हमें भी ये हुक्म है, वानजिर आशीरतक अलअक्रबीन, जो हमारे करीब तरीन लोग हैं हम पहले उनको डराएं, उनको समझाएं, उनकी इसलाह के लिए काम करें, उनकी इस्लामी तरबियत के लिए कोशिश करें, जो हमारे सबसे करीब तरीन लोग हैं, जो हमारे घर के लोग हैं, अहले खाना है, अहले खानदान है। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए भी दुआ की और अपनी औलाद के लिए दुआ की और कहा कि वतकब्बल दुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी दुआ को कबूल फरमा। और इसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक और दुआ सूरह इब्राहिम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र फरमाई है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ किस वक्त की थी? इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में की थी। अल्लाह ताला ने काफी दुआओं के बाद, आरजुओं और तमन्नाओं के बाद एक बेटा अता फरमाया था जिन्हें हम इस्माइल के नाम से जानते हैं। एक बेटा अल्लाह ताला ने बुढ़ापे की उम्र में अता फरमाया था जो आपके लिए बुढ़ापे का सहारा बन सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से हुक्म आता है कि आप अपने इस बेटे को और इसकी मां को एक ऐसी वादी में छोड़ आए जिस वादी में न कोई सब्जा है, न कोई खेती होती है, न पानी है, न परिंदे हैं, न इंसान है, न कोई मखलूक है, वहां पर ऐसी वादी में इनको छोड़कर आना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की तामील में तैयारी की और सफर करके मक्का आ गए और वहां अपनी बीवी, अपने बेटे को छोड़कर आए। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की थी। क्या दुआ की थी? रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैर दी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, ए मेरे रब, इन्नी अस्कंतु, मैंने बसा दिया है अपनी कुछ औलाद को, और कुछ औलाद से मुराद है इस्माइल अलैहिस्सलाम, मैंने अपने बेटे इस्माइल और उनकी वालदा को बसा दिया है। कहाँ बसा दिया है? तेरे मोहतरम घर के पास एक वादी है जहां न खेती होती है न सब्जा उगता है, ऐसी बयाबान जगह में मैंने अपनी कुछ औलाद को बसा दिया है। इस इकलौते बेटे को और बीवी को वहां बसाने का मकसद क्या था? छोड़ने का मकसद क्या था? इतना मुश्किल हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से आया और आपने उसकी तामील फरमाई, आखिर इसके मकासिद क्या थे? उसका एक मकसद यह अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, उनका यह मकसद था, क्या था? रब्बना ले युकीमुस्सलात, किया मेरे रब, मैं अपनी फैमिली को यहां इसलिए लाया हूं ताकि ये लोग नमाज को कायम करें। नमाज को कायम करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको यह हुक्म फरमाया था कि आप अपनी फैमिली को वहां छोड़ आए। और हम जानते हैं कि आगे चल के क्या हुआ।
ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، باپ بیٹوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جس کی جانب رخ کر کے قیامت تک آنے والے سارے انسان اس فریضے کو، نماز کو ادا کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے اتنے مشکل حالات میں حکم کی تعمیل کی، اور اس کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ تاکہ لوگ، میری اولاد، یہ نماز کو قائم رکھے، اور آئیے خانہ کعبہ کی تعمیر کس لیے کی تھی ابراہیم اور اسماعیل نے، اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَاَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا، یہ عہد و پیمان لیا تھا، کیا؟ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، کہ یہ دونوں لوگ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ یعنی عبادت صلات ادا کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھیں گے. اللہ رب العزت نے یہاں بھی رکوع اور سجدے کے ذریعے سے اس عبادت کا تذکرہ فرمایا ہے. اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی عبادت فرض تھی، اور ان کی یہ صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے کہ وہ بھی نماز کو قائم کریں. صرف ہمارا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر کے جو افراد ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، اور جو ہمارے بھائی ہیں، بہن ہیں، سارے لوگوں کے تعلق سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو حکم دیں. اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ اور مقبول بندوں میں شمار ہوتے تھے. لہذا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تعلق سے اپنے بچوں کو دیکھے، اور قرآن نے بھی یہ حکم فرمایا، قو انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. صرف خود نماز پڑھ لینا، خود مسجد میں چلے آنا، یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ اقامت صلات نہیں ہے. صلات کی ادائیگی کہا جا سکتا ہے، لیکن اقامت صلات نہیں ہے. اقامت صلات یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، جو بھی ہمارے ماتحت لوگ ہیں، اس فریضے کے تعلق سے بیدار کریں، سستی کاہلی ان کی دور کرنے کی کوشش کریں، اور مسلمان سماج اور معاشرے میں یہ بات عام ہو جائے کہ کوئی فرد بشر ایسا نہ ہو جو نماز نہ پڑھتا ہو، بے نمازی ہو. لیکن مشکل اور پریشانی یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت نماز نہیں پڑھتی، ہم میں سے اکثریت بے نمازی ہے، یہ اقامت صلات نہیں. اور آئیے اسی تعلق سے کچھ اور آیات. بنو اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اور جن کی قدیم تاریخ ہے، اور تاریخ میں ان کی کچھ خوبیاں بھی ہیں اور بہت ساری برائیاں بھی، خرابیاں بھی اس قوم کی ذکر کی گئی ہیں. اللہ رب العزت نے اس قوم سے وقتاً فوقتاً کچھ عہد و پیمان لیے تھے، ان عہد و پیمان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ہے. انہی عہد و پیمان میں سے ایک عہد و پیمان جو اس قوم سے لیا گیا تھا، وہ اقامت صلات کا بھی تھا کہ نماز کو قائم رکھیں گے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جس وقت ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، عہد و پیمان لیا،
कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, तौहीद पर कायम रहेंगे, और कहा वो बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करेंगे, ये भी है तो पैमान लिया। वज़िल कुर्बा, कराबत दारों के साथ एहसान करेंगे, ये भी है तो पैमान लिया। वल यतामा वल मसाकीन, यतीमों मिसकीनों के साथ हुस्ने सुलूक करेंगे। वकूलू लिन्नासे हुस्ना, और ये है तो पैमान उनसे लिया गया था कि लोगों से अच्छी बात कहेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वअकीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात, कि ये लोग नमाज को कायम करेंगे और जक़ात अदा करते रहेंगे। तो बनी इसराइल से भी नमाज को कायम करने का अहद पैमान लिया गया था। ये अलग बात है कि उन्होंने इस अहद पैमान की किस हद तक पासदारी की, इसको निभाया या नहीं निभाया। बल्कि अल्लाह ताला ने इसी आयत में आगे चल के जिक्र किया है कि सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम, तुम में से अक्सरियत क्या है, अहद पैमान से जो लिया गया था इससे फिर गई, बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने इस अहद पैमान को पूरा किया। तो ये बनी इसराइल के ताल्लुक से अहद पैमान लिया गया था कि नमाज को कायम करेंगे, लेकिन उन्होंने इसमें कोताही का मुजाहरा किया। और अल्लाह ताला ने आगे हुक्म फरमाया हुआ है वअकीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वरकउ मअर्राकीन, ये हुक्म भी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दिया था कि नमाज को कायम करो, जक़ात अदा करो, और झुकने वालों के साथ झुक जाओ। और इसी तरीके से दीगर आयात भी हैं। एक आयत यह भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को हुक्म फरमाया वस्तईनू बिस्सब्र वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को यह हुक्म दिया था वस्तईनू बिस्सब्र वस्सलात, नमाज के जरिए से और सब्र के जरिए से मदद तलब करो। सब्र करोगे और नमाज को कायम करोगे तो इसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद शामिल हाल रहेगी। अहले ईमान के ये दो बड़े हथियार हैं, सलात और सब्र। सलात से कैसे मदद आएगी, सलात के जरिए से बंदे और अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो रिश्ता है, जो ताल्लुक है, वो उस्तवार होता है, वो मजबूत होता है। और जब हमारा और आपका रिश्ता और ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद शामिल हाल रहेगी, उसकी नुसरत आएगी। और हमारी जिंदगी में सब्र अगर मौजूद है तो हमारे किरदार में, हमारे अखलाक में पुख्तगी आएगी, दीन पर हम कायम रह सकेंगे अगर हमारे अंदर सब्र मौजूद है। अहले ईमान के ये दो बड़े हथियार हैं। ये सिर्फ बनी इसराइल ही को हुक्म नहीं दिया गया है, बल्कि हमारे लिए भी ये हुक्म है कि हम भी नमाज के जरिए से और सब्र के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद हासिल करने की कोशिश करें। तो हुक्म हुआ वस्तईनू बिस्सब्र वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि नमाज की पाबंदी ये गिरा है, शाख है, मुश्किल जरूर है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो खास बंदे हैं और जो खुशू और खुजू करने वाले हैं उनके लिए ये इबादत मुश्किल नहीं। जो लोग जाहिरी शक्लो सूरत के साथ साथ दिल को हाजिर करके नमाज पढ़ते हैं, दिल के साथ नमाज में हाजिर रहते हैं, उनका दिल भी नमाज में हाजिर रहता है, उनके लिए इबादत मुश्किल नहीं। लेकिन हां, जिनके दिल में ये इबादत नहीं है, जिनके दिल में इस इबादत की अजमत नहीं है, अहमियत नहीं है, जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों के लिए नमाज इंतहाई दुश्वार है और मुश्किल है। इसलिए गुजारिश ये है कि आप मस्जिद में आए तो सिर्फ जिस्म लेकर ना आए, मस्जिद में आए तो दिल भी लेकर आए। हम में से अक्सरियत ऐसी है जो मस्जिद में आती है, जिस्म तो आता है
लेकिन दिल किसी का दुकान में छोड़ के आया हुआ है, उसका दिल दुकान में लगा हुआ है, किसी का दिल तिजारत में लगा हुआ है, किसी का दिल कारोबार में लगा हुआ है, किसी का दिल तरह तरह की मसरूफियात में लगा हुआ है कि इमाम साहब जल्दी से खुतबा खत्म करें, जल्दी से नमाज पढ़ें और हम भाग लगाएं यहां से। माफ फरमाइएगा, इस फरीजे की अदायगी तो हमसे हो जाती है लेकिन इकामत सलात जो होनी चाहिए वो इकामत सलात नहीं होती। ये सही है कि एक दफा आपने नमाज पढ़ ली, आपका दिल दुकान में लगा रहा, नमाज आपसे हो गई, नमाज का फरीजा साकित हो गया है, लेकिन नमाज का जो फायदा है, जो असर आपकी जिंदगी में इसका होना चाहिए, आपके आज़ा व जवारे पर इसका असर जो होना चाहिए, आपकी जिंदगी में जो तब्दीली आनी चाहिए, इसके जो फायदे आपको हासिल होने चाहिए दुनिया और आखिरत के अंदर, वो नहीं मिलेंगे आप। इसलिए अगर मस्जिद में आए तो दिल भी अपने साथ लेकर आए, ये कोशिश ना हो कि जल्दी से नमाज खत्म हो और भाग लगाए। आप इसी काम के लिए मस्जिद में आए तो इसी काम के लिए आप, दिल आपका हाजिर होना चाहिए। वही कहा कि जो हाजिर दिल के साथ नमाज पढ़ने वाले हैं, खुशू और खुजू करने वाले हैं, ये नमाज उनके लिए मुश्किल नहीं है। मुश्किल उनके लिए है जिनका दिल दुकान में लगा हुआ है, मकान में लगा हुआ है, घर में लगा हुआ है, उनके लिए इबादत मुश्किल है। इसलिए कोशिश करें कि आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली आए, नमाज में आए तो भागने की फिक्र लेकर ना आए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले किताब का, यहूद और नसारा का जिक्र भी कुरान में किया है और उनके ताल्लुक से भी इस फरीजे का जिक्र आया हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो यहूदी और वो ईसाई जो नमाज को कायम करते थे, अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ की है। देखिए अल्लाह ताला का इरशाद है, लैसू सवान मिन अहलिल किताब उम्मतुन कायमतुन यतलून आयतिल्लाहि आनाल लैल वहुम यस्जुदून। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि सारे बनी इसराइल यहूदी या ईसाई बराबर नहीं है, यकसा नहीं है, बल्कि कहा कि मिन अहलिल किताब उम्मतुन कायमतुन, अहले किताब में से, यहूद नसारा में से एक जमात ऐसी है जो हक पर कायम भी रहती है, हक पर कायम है, एक ऐसी जमात भी है इन लोगों में, यतलूना आयतिल्लाह आनाल लैल, जो रात के औकात में अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयात की तिलावत करते हैं, वहुम यस्जुदून, और सजदे भी करते हैं, नमाज भी अदा करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की, इबादत भी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहूद और नसारा के ताल्लुक से भी उनकी तारीफ फरमाई है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस फरीजे का एहतमाम करते हैं। और भी आयात हैं इस ताल्लुक से, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो बाकी आयात के सिलसिले में आइंदा जुमा के खुतबे में गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इस फरीजे की अजमत को समझने की तौफीक अता फरमाए और इस फरीजे में जिस तरीके से भी हमारे दरमियान कोताहियाँ हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन कोताहियों को हमारी दूर फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हर मुसलमान को सलात का पाबंद बनाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।